क्या जैपलिन इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली नहीं है? क्या टीवीएस जैपलिन को लॉन्च नहीं करेगा? क्या जैपलिन को रिप्लेस किया गया है रोनिन के थ्रू? क्या आपके भी यही सवाल हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैपलिन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। क्या ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और किस प्राइस पॉइंट पर आएगी, क्या इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, सारी डिटेल मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं टीवीएस जैपलिन की। तो टीवीएस जैपलिन जो है वो ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस की गई थी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस बाइक को अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है। कल 6 जुलाई को एक लॉन्च इवेंट है जहाँ पर टीवीएस कुछ मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाला है और जिसकी पिक्चर्स भी जो है वो लीक हो गई हैं और वो हमें देखने को मिली है टीवीएस रोनिन। तो काफ़ी सारी न्यूज़ इस तरह की आ रही है कि जैपलिन को रिप्लेस कर दिया गया है रोनिन के थ्रू और हमें टीवीएस की तरफ से रोनिन देखने को मिलने वाली है। तो रोनिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी टीवीएस की तरफ से, लेकिन इसके अलावा 2 लॉन्चेस और होंगे टीवीएस की तरफ से। टोटल 3 बाइक जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी और टीवीएस इन तीनों ही बाइकों के साथ में क्रूज़र सेगमेंट के अंदर आने वाला है। अभी तक जो आपको बाइक देखने को मिलती थी टीवीएस की तरफ से वो आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर देखने को मिलती थी, नेकेड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन कोई भी क्रूज़र बाइक आपको देखने को नहीं मिलती थी टीवीएस की तरफ से। अब टीवीएस जो है वो क्रूज़र सेगमेंट के अंदर आ रहा है और यहाँ पर हमें 3 बाइक्स जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। पहली जो कि टीवीएस रोनिन होने वाली है जो कि लीक हो चुकी है, जिसके ऊपर मैं अलग से बात कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने रोनिन से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैपलिन के बारे में और एक और बाइक होने वाली है जिसका नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी आपको इन दोनों बाइक्स के साथ में ही देखने को मिलेगी जिसको ऑफिशियली 6 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जैपलिन जो है वो आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगी या थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे वो डिपेंड करता है इसके लॉन्च इवेंट के दौरान क्या बाइक निकल कर आती है। बाकी अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि जो जिस टाइप का आपको कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जैपलिन का, मैक्सिमम जो है वो कंपनी कोशिश करेगी कि इसी तरह का डिज़ाइन जो है हमें देखने को मिले। इंजन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो टीवीएस ने अभी डेवलप किया है 225 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। ये वही इंजन है जो कि हमें 204V के अंदर देखने को मिलता था, उसी के क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। वही इंजन आपको रोनिन के अंदर भी देखने को मिलेगा और यही इंजन आपको जैपलिन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। साथ में जो तीसरी बाइक होगी उसके अंदर भी आपको यही इंजन देखने को मिल सकता है। तो इंजन एक ही होगा जो कि 225 सीसी का होगा, लेकिन इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज के साथ लॉन्च किया जाएगा, जहां पर टीवीएस रोनिन आपको कैफे रेसर स्टाइल के साथ में देखने को मिलेगी, वहीं पर जैपलिन जो है वो आपको एक प्रॉपर क्रूज़र सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, और जो थर्ड बाइक है वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक एडवेंचर कैटेगरी के अंदर बाइक होगी। और इस टाइप का लॉन्च आपने पहले अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा जहाँ पर यजदी ने 3 बाइक्स को लॉन्च किया गया था, यजदी की तरफ से 3 बाइक्स को लॉन्च किया गया था। तो उसी टाइप का लॉन्च इवेंट जो है हमें टीवीएस की तरफ से देखने को मिल सकता है और उसी टाइप की 3 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हमें टीवीएस की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। और टीवीएस के पास जो है वो अपाचे 200 से लेकर और RR 310 के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप देखोगे जो आपका अपाचे 200 है वो अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है एक शोरूम, और RR 310 जो है वो अबाउट 2.5 लाख पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का जो प्राइस गैप आता है वहाँ पर इन तीनों बाइक्स को टीवीएस लॉन्च करेगा। रोनिन जो है वो 1.42 लेकर 1.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस के आसपास हो सकती है। जैपलिन का जो प्राइस है उसको कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्स 1.9 लाख रुपीज़ के आसपास हमें ये देखने को मिल जाएगी एक शोरूम। और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो हमें टीवीएस की तरफ से देखने को मिलेंगे, जैसे कि डुअल चैनल ABS हमें देखने को मिलेगा, राइडिंग मोड्स हमें देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, LED लाइटिंग सेटअप और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे इस बाइक के साथ में। तो जैपलिन जो है वो मेन हाईलाइट प्रोडक्ट होने वाला है। इसके अलावा ये दोनों जो मैंने आपको बताया रोनिन और एक थर्ड मोटरसाइकिल होगी, ये दोनों इसके साथ में इसको सपोर्टिंग व्हीकल्स आप कह सकते हो। तो ये 3 मॉडल्स जो है वो लॉन्च होंगे, बाकी लाइव लॉन्च जो है वो कल होगा जिसका टाइम है 4:00 PM, और उसके लाइव इवेंट को भी हम शेयर करेंगे आपके साथ अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप वो लाइव इवेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे कि उस लाइव इवेंट की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, आप उसको मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।